आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 5,450 मेंबरान क्लब इंतखाबात में हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। जिमखाना क्लब के इंतखाबात में 26 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। चेयरमैन सुलेमान सदीक और मियां मिसबाह रहमान का 12 रुकनी वाहिद पैनल मैदान में मौजूद है। जिमखाना क्लब में इस साल आजादाना उम्मीदवार इलेक्शन का हिस्सा ले रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा इस हवाले से। पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी की बात है और आज इंतखाबात की गहमागहमी इस वक्त अरूज पर है। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, अब इस वक्त आधे घंटे का वक्फा है, ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कुल जो है 12 नशिस्तों पर, कमेटियों की नशिस्तों पर जो है इंतखाबात हो रहा है। 26 लोग मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त इस साल सिर्फ वाहिद एक पैनल चेयरमैन सलमान सदीक मियां मिसबाह का पैनल है 12 रुकनी, जबकि 14 लोग जो है आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें तकरीबन 5,000 से जायद 5,450 के करीब जो है लोग जो है किराएदे इस्तेमाल कर सकते हैं और पोलिंग का सिलसिला अब भी जारी है। अब लंच ब्रेक हुई है। आज जो वोट कास्ट करने वाले हैं उनमें से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हसन बून, सीनियर कानून दान खुरम खोसा, अली बदर, साबिक एम पी ए डॉक्टर आलिया आफ्ताब ने अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी जुर्मान चंद ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। जस्टिस रिटायर नासरा जवेद इकबाल ने जिमखाना क्लब का वोट कास्ट किया है। सीनियर सहाफी मुजीबुरहमान शामी और इफ्तार अहमद ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर तफसीलात से आगाह करने के लिए।